मारुति का अन्न प्राशन संस्कार आरंभ होता है, जहां मारुति को देव गुरु बृहस्पति स्वयं मारुति के मुख में भोजन का पहला कोर रखते हैं। किंतु मारुति देखते ही देखते भंडार का सारा भोजन खाकर समाप्त कर देते हैं। अंजना को चिंतित देख मारुति माँ से क्षुधा तृप्त होने की बात करते हैं। अब आगे करूं मैं, मेरी शुद्धा तो शांति नहीं हो रही है। कुछ तो खाना होगा, पर क्या खाऊं? रसोई में जाकर देखता हूँ, वहाँ अवश्य कुछ मिल जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी रिक्त है। अरे ये सब तो रिक्त है, अब मारुति क्या खाएगा? इनमें कुछ तो होगा, इसीलिए ऊपर बांध के रखे हुए हैं। क्या करूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शकरा है और ये तो कच्ची दाल है और ये कच्चे चावल। अब मैं इन्हें कैसे पकाऊं? कच्चे ही खा लेता हूँ, शुदा ही तो शांत करनी है। समाप्त हो गए, अब मारुति क्या खाएगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। और ये सेब, आप ये सेब मारुति के लिए लाए हैं? हाँ मारुति, ये सारे सेब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। नारायण नारायण। लो। Wow.
तो बड़े रसीले और स्वादिष्ट थे। मारुति को और चाहिए। किंतु मेरे पास जितने सेब थे मैंने आपको दे दिए, अब और फल नहीं है मेरे पास। किंतु मारुति की भूख तो अभी तक शांत हुई ही नहीं है और इसी कारण माँ बहुत दुखी है। माँ का दुख दूर करने के लिए मारुति को अपनी शुदा को शांत करना ही होगा। ये तो बड़ी ही विकट समस्या है। मेरे फल तो समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं तुम्हें एक ऐसा फल दिखा सकता हूँ जो विशाल तो है ही, तुम्हारी शुदा को भी शांत कर देगा। किंतु क्या देवर्षि? किंतु वो फल तुम्हें स्वयं तोड़ना पड़ेगा, उसे स्वयं प्रयास करके पाना पड़ेगा। प्रयास करना पड़ेगा, करोगे? अवश्य, शीघ्र दिखाइए देवर्षि, मारुति अवश्य प्रयास करेगा। आओ मैं दिखाता हूँ। वो देख रहे हो ना, वो महाफल, आकाश फल। अच्छा, ये है आकाश फल। कितना बड़ा है। दिखाई दिया ना? वो है आकाश फल। इस महाफल को खाने से तुम्हारा उदर भर जाएगा और तुम्हारी शुदा भी शांत हो जाएगी। सत्य कह रहे हैं आप? सत्य तो कह रहा हूं, किंतु। पुनः ये किंतु? और कितने किंतु देवर्षि? किंतु बहुत दूर है वो आकाश फल। शून्य की डाल पर लटका है, युग सहस्त्र योजन दूर। तो क्या हुआ? यदि अटूट इच्छा, लगन और अदम्य साहस के साथ किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ा जाए तो वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपनी भूख मिटानी है। तो चाहे कितनी भी दूर हो वो आकाश फल, माँ की चिंता दूर करने के लिए मुझे अपनी शुदा शांत करनी ही होगी। चाहे कितनी भी दूरी हो, मारुति अवश्य तय करेगा।
शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ो। जाकर खा लो आकाश फल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। या सूर ने जो अहंकार, दिव्य तत्व में हुआ विकार। नारद जी है जन कल्याणी, गर्व भंग करने की ठानी। एक बाण से दो दो लक्ष्य, कहा मारुति अब दूं क्या भक्ष्य। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। मित्रों, मारुति को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था। हाँ, कल अन्नप्राशन में उसने कहा था सभी प्रातः यही मिलेंगे। कुछ भी कहो, किंतु है अद्भुत ही है हमारा मित्र मारुति। किंतु कल कितना खाया था। हाँ, मारुति। मारुति, अरे मारुति, मारुति, अरे मारुति, कहाँ जा रहे हैं? अरे मारुति, कहाँ जा रहे हो मारुति? मैं आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? आकाश फल? ये कौन सा फल है? न जाने कहाँ चला गया। पता नहीं, पलक झपकते ही ओझल हो गया। ईश्वरी जाने वो किस फल की बात कर रहा था।
प्रणाम राज पुरोहित जी। कल्याण भव। राजन, वैसे तो सूर्य ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विषय में आपको सब कुछ ज्ञात है, और महारानी जी भी धर्म कर्म के कार्य से पूर्णतया परिचित हैं। फिर भी मैं अपना पुरोहित धर्म निभाते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज सूर्य ग्रहण है, जिसका सूतक काल कुछ ही समय में आरंभ हो जाएगा। सूतक काल से ग्रहण के मोक्ष काल तक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में खाद्य सामग्री दूषित हो जाती है। आप उचित कह रहे हैं, हमने पहले से ही सबको सूचित कर दिया है। ग्रहण के समय में की जाने वाली पूजा और हवन से सूर्य को राहु से मिलने वाली पीड़ा अल्प हो जाती है। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और आयु में वृद्धि करते हैं। इसलिए ग्रहण के समय में यज्ञ और दान का विशेष महत्व है। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे पुरोहित जी। आपका तुलादान होगा, अर्थात आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा, तथा हर बार की भांति वस्त्र दान एवं गौदान भी करना होगा। अवश्य राज पुरोहित, ऐसा ही होगा। एक राजा के लिए प्रजा सेवा भी प्रभु सेवा के समान ही होती है। राज पुरोहित जी, हमने सारी व्यवस्था कर दी है। ये सब तो व्यवस्थित रूप से हो जाएगा, किंतु मारुति का क्या करो? सोकर उठते ही उसे भूख लगेगी, भोजन उसे दे नहीं सकती। अपनी भूख के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहण के बारे में क्या समझेगा? आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है। का